नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं Asus ROG GA15 का जो गेमिंग डेस्कटॉप है उसका कंप्लीट रिव्यू। अब इस डेस्कटॉप को दोस्तों मैं पिछले 2 हफ्तों में यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे गेम्स खेले हैं, और लॉकडाउन में क्या है ना, अभी काम करो, गेम खेलो, खाओ पियो सो। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप एक गेमिंग पीसी खरीदने का सोच रहे हैं तो क्या GA15 एक आइडियल चॉइस होगी, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, कैडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिजाइन से, एंड यहाँ पे जैसे ही आप सीपीयू को निकालते हैं इसके बॉक्स से तो एकदम वो जो गेमर्स वाले लुक है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान, जैसे ही अगर आप उसको देखेंगे, सबसे ज्यादा ध्यान दिया है एयर फ्लो को लेकर के। तो जैसे कि सामने की तरफ थोड़ा सा सीपीयू उठा हुआ है और हर तरह से दोस्तों आपको एयर फ्लो के जो वेंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे सीपीयू को कूल रखने के लिए जो एयर फ्लो है उस पे अच्छा ध्यान दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको सीपीयू में एक हेडफोन, छोटा सा एक हेडफोन माउंट भी मिल जाएगा, हेडफोन स्टैंड भी मिल जाएगा, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा। और उसी के साथ साथ जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पैनल है दोस्तों वो ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक शीट का है, एंड यहाँ से आप जो पूरा का पूरा इंटरनल्स है वो देख पाएंगे, और यहाँ पे भी आपको RGB लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे एकदम कंप्लीट ROG जो लुक होता है गेमिंग का वो दिया गया है। एंड एक बात जो मुझे इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप की बहुत ही बढ़िया लगी वो है इसका ये स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप इस हैंडल को पकड़ करके इस कैबिनेट को कहीं पे भी उठा करके ले जा सकते हैं, जैसे एक होता है ना ब्रिंग योर ओन PC टू गेमिंग, तो वहां पे अगर आपको इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप को ले जाना है तो बहुत ही इजी होगा। इतना हल्का नहीं है लेकिन चूंकि आपको स्टैंड मिलता है तब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और अब दोस्तों बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। तो आपको सबसे पहले तो जो डेस्कटॉप के सामने है वहां पे आपको पोर्ट मिल जाएगा एक ऑडियो का, एंड उसी के साथ साथ आपको एक माइक इनपुट फोन मिल जाएगा, और वहाँ पे दोस्तों आपको एक USB टाइप सी मिलता है और एक USB टाइप ए पोर्ट। और ये दोनों दोस्तों USB टाइप सी और USB टाइप ए फास्टर पोर्ट्स हैं, एंड जो टाइप सी वाला दोस्तों वो पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपने फ़ोन वगैरह या पेरिफेरल्स अगर आपको कुछ चार्ज करना है तो आप यहाँ पे उसकी मदद से कर पाएंगे। डेस्कटॉप के पीछे दोस्तों आपको वो यूजुअल USB पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, गीगाबिट लैन पोर्ट है, एंड उसके साथ साथ आपको ऑडियो पोर्ट्स भी देखने मिल जाएंगे। एक बात है कि यहाँ पे आपको PS2 पोर्ट्स मिलते हैं, डी सब पोर्ट मिलते हैं, DVI पोर्ट मिलते हैं, एंड आई डोंट नो मतलब आज के टाइम पे इसे कोई यूज़ कर रहा है नहीं, मतलब चूंकि दोस्तों अभी कस्टम बिल्ड PC Asus खुद बना रही है तो यहाँ पे इन सारे पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। तो लिटरली आपको ओवर द अबव सारे के सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, एंड कुछ ऐसे पोर्ट्स भी मिलेंगे जिनके आप यूज़ नहीं करेंगे। अब इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लूटूथ और वाईफाई का भी सपोर्ट मिलता है, वाईफाई 5.0 है जिसमें आपको 5 GHz का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों मुझे वाईफाई पे भी अगर मैं गेम खेल रहा हूँ या फिर मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। और दोस्तों परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके OS के बारे में। तो यहाँ पे आपको विंडोज 10 का जो होम एडिशन है वो मिल जाता है, एंड स्टार्टिंग में आपको सेटअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो RGB लाइटिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक ऐप दे रखा है जो है आर्मरी क्रेट, एंड यहाँ पे आप चाहो तो RGB की जो कंट्रोल है उसको डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको फ्लो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो CPU का या GPU का टेम्परेचर है उसके हिसाब से दोस्तों RGB का जो कलर है वो चेंज होगा, जैसे ग्रीन टू येलो एंड एन टू रेड, तो वो मुझे अच्छा लगा। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि अगर आपको विंडोड मोड में खेलना है, टर्बो पीस मोड चाहिए या फिर बैलेंस एनवायरनमेंट, तो ओवरऑल कंप्लीट कंट्रोल रहेगा यहाँ पे आपके फैंस के ऊपर और जिस तरीके की आपको परफॉर्मेंस चाहिए। वैसे फ़ैन की बात करें तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा साइलेंट ऑपरेशन है, एंड चाहे आप हाईएस्ट सेटिंग्स में खेल रहे हो या फिर जब आपका जो PC बहुत गर्म हो जाता है तभी भी जो साउंड थी फैंस की वो बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं थी। और जहाँ तक है हम लोग तो अपने जो गेम्स वगैरह हैं हेडफोन्स पर लगा के खेलते हैं, तो ऐसे में मैं बोलूँगा कि जो कमरे का पंखा है मेरे वो ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, और इस पर्टिकुलर CPU से मुझे एकदम भी मतलब इट वॉज़ वेरी लो, और अगर एकदम कान लगा के सुनो तब शायद इसमें आपको आवाज़ सुनने को मिल जाए। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिस्टम है दोस्तों इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 68,000 है, लेकिन जो PC हमारे पास है उसकी प्राइसिंग है 1,15,000 के आसपास। और यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो है Ryzen 3700X का, जिसमें हमें 16 GB ऑफ DDR4 RAM मिला था जो अपग्रेडेबल है दोस्तों 32 GB तक का, एंड यहाँ पे जो NVIDIA GeForce GTS 1616 Ti है वो भी मिलता है 1 TB ऑफ NVMe SSD के साथ।
अब दोस्तों ये जो इंटरनल स्टोरेज है उसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, आप 2 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यहाँ पे इंस्टॉल, नॉट एक्सटर्नल मतलब अगर आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आपको नहीं आएगी, बट हाँ वो इस पर्टिकुलर पैकेज के साथ इंक्लूडेड नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हमने मीडियम टू हाई सेटिंग्स में बहुत सारे गेम खेले हैं और 60 FPS दोस्तों आराम से मिल रहा था और बहुत सारे जगहों पर मुझे 80 FPS भी मिला है। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मेट्रो एक्सोडस हो गया, उसके बाद आपके जो Far Cry 5 हो गए वहाँ पे 60-80 FPS जैसा मैंने आपको ऑलरेडी मिला है। एंड जो ई स्पोर्ट टाइटल्स हैं दोस्तों वहाँ पे 200 तक भी यहाँ पे बिना किसी इशू के जो फ्रेम रेट्स हैं वो गए हैं और ऐसे में सिस्टम भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है घंटों खेलने के बाद भी। आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे जितने भी हमने बेंचमार्क्स रन किए हैं उनके इंडिविजुअल स्कोर्स और जो भी हमने गेम्स खेले उनके जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट FPS हैं वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमने गेम्स खेले हैं वहाँ पे विदाउट द लैंड वायर खेला है, पूरा वाईफाई पे चला है और ऐसे में कोई भी इश्यूज नहीं आए, नेटवर्किंग इश्यूज भी नहीं आए मेरे को। एंड ओवरऑल अगर मैं कूलिंग के बारे में बताऊं या फिर जो एयर फ्लो था वो भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान में रखा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपग्रेडेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम शायद यहाँ पे आगे जा करके रैम अपग्रेड कर पाएँ या फिर स्टोरेज अपग्रेड कर पाएँ। अब देखिए आपको यहाँ पे 500 वॉट का PSU मिलता है जो कि 80+ रेटेड है, बट उसके अलावा जो स्टैंडर्ड रेटिंग है वो आपको यहाँ पे पता नहीं है कि भाई गोल्ड है, सिल्वर है या ब्रोंज है। तो ऐसे में अगर आप आगे जा करके ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करना चाहेंगे तो वो PSU के साथ चलेगा या नहीं चलेगा और ऐसे में वो किस वॉट का है तो वो दोस्तों आपको आगे जा करके शायद दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप इस PC को ले रहे हैं तो ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप अगर 500 वॉट तक का ही कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तब ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ पे से स्टोरेज या रैम अपग्रेड कर पाएंगे। और दूसरा दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड भी आप अगर आप चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों फाइनली आते हैं वर्डिक्ट के ऊपर और यहाँ पे मेरे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं इस पर्टिकुलर PC को लेकर के। अब देखो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है जो मेरे पास है वो है लगभग 1,15,000 से 1,20,000 रुपए के बीच में। और ऐसे में अगर आप एक PC बिल्डर एंथुजियास्ट हैं जो खुद PC बनाते हैं तो आपको पता होगा कि जो भी पार्ट्स इसके अंदर हैं और वो अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो और खुद का अगर आप PC बनाते हो तो शायद 80-85 या मैक्सिमम अगर आप विंडोज़ वगैरह लोगे तो 90,000 तक आ जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर आप देखोगे तो कैबिनेट भी अगर आपको चॉइसेस मिल जाएंगे तो वो एक है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये पर्टिकुलर PC दोस्तों उन सभी के लिए है जो आउट ऑफ द बॉक्स गेमिंग चाहते हैं। अब एक बात है जो एक एडवांटेज है क्योंकि आपको ASUS की तरफ से मिलता है तो किसी भी अगर पार्ट में इशू आती है आगे जाकर के अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कंप्लीट PC दोस्तों वारंटी के अंदर कवर होता है और आपको हर एक चीज़ की अलग अलग वारंटी यहाँ पे ट्रैक नहीं करनी और सर्विसिंग के वाइज में ASUS से दैट विल बी द 1 point of contact। सो अगर आप PC बिल्ड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में लॉकडाउन के बीच में, अगर आप पार्ट्स मंगा करके बिल्ड कर सकते हैं देन इट्स फाइन, वो आपके लिए शायद बेटर ऑप्शन हो। लेकिन अगर आपको एक PC चाहिए जो आप मतलब आप बिल्ड नहीं करना चाहते हो या फिर आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी या फिर आप बाहर जाकर के PC बिल्ड नहीं करा सकते हो तब दोस्तों आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर बॉक्स में आपको ये CPU और इसका जो केबल है वो मिल जाएगा, आपको बस प्लग इन करना है, सेटअप करना है एंड ये इसमें आप फिर आप गेम इंस्टॉल करके खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरीके के लिए दोस्तों इस पर्टिकुलर PC का जो बिल्ड है अच्छा लगा, ओवरऑल गेमिंग अच्छी लगी। हाँ प्रीमियम प्राइस आप पे कर रहे हो लेकिन उस तरीके की आपको यहाँ पे गेमिंग मिल जाएगी। तो अगर आपके मन में दोस्तों कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल GT Hindi को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।